धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से जो आज हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है वो एक चुनावी मुद्दा भी है और वो एक कांगड़ा चंबा का जो मूल मुद्दा है चुनावों का वो बनकर उभरा है। इसमें विभिन्न प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं ने हमारा सहयोग किया, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन भरवाया और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया, वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी करके नॉमिनेशन फाइल करने के बाद एक विशाल जनसमूह को जो है उन्होंने संबोधित किया। अब विषय ये आता कि उनके संबोधन में केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या स्थान था और केंद्रीय विश्वविद्यालय आज इतना महत्वपूर्ण विषय दोनों राजनीतिक दलों के लिए क्यों बन गया है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कल जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने संकल्प को पुनः दोहराया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मशाला में हम बनाएंगे और उसके लिए हम जो है जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि हम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो पैसा है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो हम लोग जमा करवाएंगे और ये 5 जून तक जो है इस पैसे को हम लोग जमा करवा देंगे। और उन्होंने आह्वान किया कि आप जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो वोट करें और कांग्रेस पार्टी जो है वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। अब प्रश्न ये आता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर ही अब बयान क्यों आने लगे, जब आपके पास पर्याप्त समय था पैसा जमा करवाने के लिए, जब लोग यहाँ सड़कों पर बैठे थे और बोल रहे थे सुखू मामा मनी जा 30 करोड़ जमा करा, वो बच्चे बोल रहे थे, उनकी भावनाएं थी, वो महिलाएं ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, वो बुजुर्ग, वो पेंशनर, वो सब के सब लोग जो थे आपकी सरकार से गुहार लगा रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप जो हैं वो 30 करोड़ रुपया अविलंब जमा करवाइए, समय रहते जमा करवाइए। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी को इस विषय को लेकर वो गंभीर नहीं थे और उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा क्या है, हम राजा हैं, हम बैठे हैं, हमारी मर्जी है, हम करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन चलो छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो, हम मानते हैं कि चलो माननीय मुख्यमंत्री दे राय दुरुस्त आए, उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपया जमा कराएंगे, 5 तारीख के बाद जमा कराएंगे और उन्होंने कहा हमें जिता दो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर उनके उम्मीदवार नहीं जीतता है तो क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पैसा जमा करवाएंगे? पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं, पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।